आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा ठीक। अब इसमें एक चीज हमको ध्यान देना है, इसके इंग्लिश क्या होगा, पी एच वाई एल यू एम सी ओ ई एल ई एन टी आर ई टी ए ठीक। फाइलम सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा जो है अगर बात की जाए ये बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, सी ओ ई एन सेल और एंट्रान ये इंटेस्टाइन, आई एन टी ई एस टी आई एन ई। सील का मतलब जो होता है होलो, एच ओ डबल एल ओ डब्लू, होलो का मतलब क्या होता है खोखला, और इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है आंख ठीक। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें पूर्ण रूप से विकसित आंत नहीं पाई जाती है, लेकिन ये आंत जो है पाचन तंत्र की तरफ इशारा करता है ठीक। तो मतलब इसमें जो है आंत जैसी जो है खोखली संरचना पाई जाती है। अब बात की जाए कि सिलेंट्रेटा संघ के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, तो एक काम करिए इसको छाप लीजिए जो है, नहीं तो अभी जो है जगह कवर कर लेगा। अब बात करेंगे जो है इस संघ के लक्षण क्या होते हैं, तो इस संघ के जो जंतु होते हैं वो स्पेशली होते हैं समुद्री, कहां पाए जाते हैं तो समुद्र में, ये कैसे जीवन यापन करते हैं समुद्री। अगर बात की जाए ये एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय हैं, तो ये बहुकोशिकीय और शारीरिक संगठन जो होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है या ऊतक स्तर का, तो ऊतक स्तर का ठीक ना। तो ये बहुकोशिकीय होते हैं, कैसे होते हैं बहुकोशिकीय, और शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है तो ऊतक स्तर का ठीक। और इनमें जो है तंत्रिका तंत्र जो होता है वो संवेदी कोश, जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं, संवेदी कोशिकाएं जो होती हैं ये मिल करके जो है बनाती हैं तंत्रिका कोशिका। क्या बनाती हैं तंत्रिका कोशिका, मतलब संवेदी का मतलब नहीं समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमको जो है कोई चीज गर्म लगा तो वो संवेदी अंग हमारा जो होता है आंख कान नाक त्वचा जीभ, तो गर्म हमको कहां से महसूस होगा, त्वचा से, जीभ से। कोई चीज आप गर्म खाते पीते हैं तो जीभ से भी पता चलेगा गर्म है ठीक। या मान लीजिए आपको कुछ चुभ गया कहीं पे चमड़े में, आपके पैर में या हाथ में ठीक, मान लीजिए बैठे हैं पड़ोसी आपका धीरे से पेन उठाया ऐसे धसा दिया तो कैसा फीलिंग होगा, समझ में आ रहा होगा ठीक। इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो ऊतक स्तर का होता है, और ये बहुकोशिकीय होते हैं, और इनमें संवेदी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं तंत्रिका कोशिका ठीक। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो है अकेले पाए जाते हैं या ग्रुप में पाए जाते हैं, तो ये जो है अकेले भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप में भी हो सकते हैं, अकेले या समूह में, दोनों प्रकार का हो सकता है ठीक। अच्छा एक मामला और आता है कि ये अस्थाई होते हैं एक स्थान पर या तैरने वाले होते हैं, तो इनमें जो है दोनों लक्षण पाया जाता है, अस्थाई भी हो सकते हैं और कुछ है? तैरने वाले, इनको हम प्लवक बोलते हैं फ्लोटिंग, तैरने वाले को क्या बोलते हैं प्लवक फ्लोटिंग है ना, बात सुने एफ एल ओ ए टी आई एन जी। प्लवक का मतलब होता है तैरने वाले यार, प्लवक का मतलब तैरने वाले। तो ये जो है दोनों क्वालिटी का लक्षण दिखाते हैं ठीक, अस्थाई वाले भी और तैरने वाले भी ठीक।
अब बात की जाए अस्थाई वाले को क्या नाम दिया जाता है, तो अस्थाई वाले को बोलते हैं पॉलिप। क्या बोलते हैं? पॉलिप। ठीक। और तैरने वाले अवस्था को क्या बोलते हैं? मेडुसा। क्या बोलते हैं? मेडुसा। ये क्या होता है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ये अस्थाई होते हैं तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? पॉलिप बोलते हैं। और पॉलिप में जो है ये अलैंगिक जनन करते हैं। कौन सा? अलैंगिक जनन। ठीक। और मेडुसा में जो है ये तैरते हैं तो नर मादा युग्मक जो होगा वो एक दूसरे के संपर्क में कैसे पहुंचेगा? जब तैरेंगे तभी ना। तो ये जो है जब मेडुसा अवस्था में होते हैं तो ये कौन सा जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। बस सुन गई दिक्कत? हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इनको जो है अगर देखा जाए तो इनमें जो है गतिशीलता वगैरह के लिए कोई विशेष स्पेशली अंग नहीं पाया जाता है। ठीक। इनके शरीर में जो है निडोसाइट्स, ठीक, या आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में दंश कोशिका, दंश कोशिका। तो ये दंश कोशिका से जो है ना, एक तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कोई भी जीव आपको डंक मारता है, मधुमक्खी डंक मारती है, बिच्छू मारता है, सर्प मारता है, तो इन सब के द्वारा जब आपके शरीर में डंक मारा जाता है तो ये अपना कुछ ना कुछ जहर छोड़ते ही छोड़ते हैं। तो जहां पे दंश कोशिका या डंक मारने वाली कोशिका होगी उसमें जहर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये दंश कोशिका कैसी होती है? तो जहरीली होती है या टॉक्सिक होती है? कैसी होती है? टॉक्सिक या जहरीली होती है। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सांप की तरह काट लिया तो मर जाइएगा, ऐसा नहीं होता है। ये जहरीली होती है, उतने जहरीली होती है कि किसी जीव को अगर मान लीजिए डंक मार दिया इस संघ के जंतु ने, ठीक, तो वो जीव जो कुछ देर के लिए बेहोश पड़ जाएगा। और जब वो बेहोश पड़ जाएगा तो इसके शरीर में टेंटिकल पाए जाते हैं, स्पर्शक जिसको बोलते हैं। ठीक। क्या पाए जाते हैं? टेंटिकल या स्पर्शक। देखिए, तो ये जो दंश कोशिका होती है ये क्या करेगा? डंक मारने का काम करेगा। और जब ये डंक मार देगा किसी भी जीव के शरीर में तो वो जीव क्या हो जाएगा? बेहोश पड़ जाएगा। जब बेहोश पड़ जाएगा इसे स्पर्शक के सहारे वो उसको पकड़ेगा। क्या करता हो? पकड़ता है। स्पर्शक के सहारे पकड़ करके क्या करेगा? उसको भोजन के रूप में यूज कर लेगा। तो ये टॉक्सिक, ये जो दंश कोशिका होता है ये टॉक्सिक होता है। और इससे जो है ये दो काम करेगा, जैसे मान लीजिए इसको कोई जीव अगर मान लीजिए हानि पहुंचाने आता है तब ये उसको डंक मार देगा, और मान लीजिए इसका खाने का मन हुआ तब भी। तो हम कह सकते हैं दंश कोशिका का प्रयोग ये बेसिकली दो काम के लिए करता है। कौन कौन से काम के लिए? एक तो भोजन के लिए और दूसरा अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक। तो ये जो है भोजन और सुरक्षा दोनों में अब काम आता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? ठीक। अब इनमें जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि श्वसन वगैरह के लिए, श्वसन गमन, इनके लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। बात समझ आई? इनके लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। कोई दिक्कत? ये तो आधे लक्षण में भर गया, इतना छाप लीजिए फिर आगे जो है और लिखते हैं। अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर बात की जाए लैंगिक जनन कैसे होता है तो लैंगिक जनन जो है युग्मक के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? युग्मक। युग्मक का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जैसे नर और मादा युग्मक होते हैं वैसे इसमें भी क्या होते हैं, जो युग्मक होते हैं उन्हीं के माध्यम से जनन होता है। और अलैंगिक जनन जो होता है ये अस्थायी अवस्था में होता है। तो ये अगर बात की जाए कौन कौन सी विधि के द्वारा होता है तो ये स्पेशली दो विधि के द्वारा होता है, एक मुकुलन या बडिंग के द्वारा, मुकुलन या बडिंग, और दूसरा जो है बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन, द्विखंडन। ठीक। तो दो चार लक्षण बचे हैं उसको भी लेते हैं।
बचे हुए लक्षणों में अगर देखा जाए इनमें परिसंचरण तंत्र, तो परिसंचरण तंत्र नाम का कोई चीज नहीं पाया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि इसमें परिसंचरण तंत्र क्या होता है, उपस्थित की अनुपस्थित, अनुपस्थित होता है परिसंचरण तंत्र, अनुपस्थित। ठीक, इसके बाद जो है बात की जाए इनका जो बाह्य परत होता है, बाह्य कंकाल, वो दो पदार्थों का बना हुआ हो सकता है, या तो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर जो है काइटिन नामक पदार्थ का, कैल्शियम कार्बोनेट या काइटिन नामक पदार्थ का। इसके बाद जो बात की जाए अगर इनका शरीर जो है डिप्लोब्लास्टिक होता है या फिर डिप्लोब्लास्टिक, तो इनका शरीर जो है डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब जानते हैं ना, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, दो लेयर का, तीन, दो जर्म लेयर, कौन कौन सा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहला वाला और एक तीसरा वाला। हाँ, पहला और तीसरा। तो पहला वाले का मतलब हो जाएगा एक्टोडर्म, डर्म, और एंडोडर्म, और दूसरा हो जाएगा एंडोडर्म। अरे वो डायरेक्ट बता, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जो है जैसे मान लीजिए कुछ जीवों में जो है कंकाल तंत्र वगैरह आंतरिक पाया जाता है, अगर मीजोडर्म नहीं पाया जा रहा है तो ये तो हो गया बाह्य कंकाल, अगर मीजोडर्म नहीं तो अंतःकंकाल है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हम कह सकते हैं अर्थात इसमें अंतःकंकाल नहीं पाया जाता है। क्योंकि अंतःकंकाल अगर पाया जाता तो मीजोडर्म पाया जाता। ठीक, मुझे नहीं लगता कुछ बचा इसमें, यही दो चार लक्षण बचा था, इसको भी छाप लीजिए।